हेलो एवरीवन, आज हम सीखने जा रहे हैं टेक्स्ट विंडो और हेल्प विंडो। समझो यहाँ पर किसी कमांड के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कोई कमांड समझ में नहीं आ रही तो हेल्प आप ले सकते हो। उसके लिए यहाँ पर हेल्प में से यहाँ पर हेल्प कमांड ली जा सके। इसका शॉर्टकट क्या आता है? F1। यहाँ पर अगर लैपटॉप में से इस्तेमाल करना है तो फंक्शन की प्रेस करके F1 फंक्शन बटन प्रेस करके F1 बटन आपको प्रेस करना पड़ता है, या फिर सादा कंप्यूटर रहेगा तो F1 प्रेस किया तो डायरेक्टली हेल्प विंडो यहाँ पर ओपन किया जा सकता है। ओके इसमें कोई कमांड नहीं समझा है तो उसके बारे में और ज्यादा जानकारी आप ले सकते हो। समझो यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड लिया, ओके रेक्टेंगल कमांड लिया तो रेक्टेंगल के बारे में और ज्यादा जानकारी आप ले सकते हो। रेक्टेंगल के ऑप्शन कौन से है, सब ऑप्शन कौन से है, वो आप यहाँ से और ज्यादा जानकारी आप लिया जा सकता है। या फिर बैक में गए, यहाँ से भी और जो भी ऑप्शन है इस कमांड्स के तो वो आप यहाँ से ले सकते हो, तो उससे आपकी जानकारी में आप इजाफा कर सकते हो। उसका शॉर्टकट की F1 आता है, वैसे ही यहाँ पर F2 आ गया था। F2 यहाँ पर F2 प्रेस किया तो हेल्प विंडो ओपन होता है। सॉरी F2 प्रेस किया तो यहाँ पर टेक्स्ट विंडो ओपन होता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट विंडो ओपन होता है। फाइल चालू करने के बाद जितने भी कमांड दिए हुए हैं उन सभी का हिस्ट्री यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पर समझो रेक्टेंगल बनाए, सर्कल बनाए और यहाँ पर F2 प्रेस किया तो जितने भी कमांड दिए हुए हैं उन सभी का हिस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये कमांड विंडो जो रहता है उसमें लास्ट 3 या 4 कमांड ही आपको दिखाई देंगे। पूरा हिस्ट्री देखना है तो F2 प्रेस करके आप हेल्प विंडो ले सकते हो, या फिर व्यू में से डिस्प्ले में से यहाँ पर टेक्स्ट विंडो कमांड लिया जा सकता है। कैसे भी आप ले सकते हो, मतलब कमांड टाइप करते वक्त या फिर डिस्टेंस देते वक्त कौन सा वैल्यू गलत हुआ है वो आप चेक करके देख सकते हो। थैंक यू।